pretty and he like that. When he beat it up, he deep inside that kitty cat. Hello friends, welcome to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपकी रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग कैसे करनी है. ठीक है, तो मैंने अपनी रेडीमेड कुर्ती इस तरह से प्लेस कर ली है. आप भी इस तरह रख लीजिए, फोल्ड करके सेंटर से मैंने फोल्ड कर लिया है और शोल्डर्स को शोल्डर से मैच कर देना है, आर्म होल को आर्म होल से, और ये पूरा फिट करके. कुछ लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, अपनी जो फिटेड ऑलरेडी फिटेड कुर्ती होती है उसको लेके इस तरह रख देते हैं कुर्ती के ऊपर प्लेस करके, और यहाँ से जो मेजरमेंट आ रही होती है उसके निशान लगा के, और उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो उसको कट कर लेते हैं और इसकी फिटिंग के स्टिचेस लगा लेते हैं. पर मैं चौक से निशान लगाना बताऊंगी आपको. अब आप अपनी जो ऑलरेडी फिटेड कुर्ती है उसको ले लीजिए और उसको मेजर्स उसके जो मेजरमेंट्स हैं वो लेना स्टार्ट कर लीजिए. लाइक 20 इंचेस है ये, तो मैं इसको भी 20 इंचेस कर लेती हूँ. ये थोड़ा सा लूज कुर्ती है मेरी, बट मुझे थोड़ा सा लूज ही पसंद है, इसको भी मैं 10 इंचेस ले लेती हूँ. ये मैंने 10 इंचेस इसीलिए लिया है क्योंकि मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है ना, तो ये 20 था तो मैंने उसका हाफ किया, दिस इज 10 इंचेस. अब आपको वेस्ट देखना है कि इसकी वेस्ट कहाँ पे फॉल करती है. नॉर्मली आपको पता है यहाँ से आप 14 इंच या 15 इंच पे जैसे डाउन जाते हैं तो आपको आपकी वेस्ट मिल जाती है शोल्डर टिप से. तो 14 इंच डाउन जाके मैं इसकी शोल्डर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, इसी तरह हिप लाइन पे मैं 23 इंच पे लगाऊंगी निशान. 24 भी ले सकते हैं आप, 22 भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको आपकी स्लिट कहाँ पर चाहिए. कुछ लोग डाउन पहनते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ऊपर भी उनका चल जाता है, तो मैं 23 इंचेस पे इसका निशान लगा रही हूँ. यहाँ से मैंने 10 इंचेस लिया था और वेस्ट से मेरा, मैंने अभी मेजर किया है तो मेरा 18 आ रहा है, तो मैं इसको 9 इंचेस पे मार्क कर दूंगी, निशान लगा लूंगी. और हिप पे मेरा सेम एज माय बस्ट साइज सेम उसी तरह से है, तो मैं 10 इंचेस पे इस पे निशान लगा दूंगी. अब ये जो हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे इस तरह निशान लगाते हुए. ये मेरा रेडी हो गया है. एक और चीज मैं अब आपको बताना चाहूंगी, कुछ लोगों के आर्म होल जो होते हैं ये वाले, कई कुर्तीज में हमारे ज्यादा ही बड़े होते हैं, तो हमें इस स्लीव को अलग कर लेना चाहिए, पूरा ये वाला स्टिच निकाल देना चाहिए, स्लीव को अलग कर लेना चाहिए, फिर हम उसकी आर्म होल की कटिंग करते हैं अगेन, उसको यहाँ से कट कर देते हैं ऐसे इस तरह, फिर स्लीव अटैच होती है, फिटिंग होती है. बट मेरी केस में क्या है, मेरा साइज ये ठीक है, मेरे आर्म होल इतने बड़े, शोल्डर्स इतने बड़े नहीं है, तो मैं स्लीव इसकी अलग नहीं करूंगी, इसी में ही रहने दूंगी और अपनी स्लीव का भी मैं फिटिंग का निशान लगा लूंगी. ये आपकी स्लीव है, स्लीव में आपने ये मेजरमेंट लिया तो आपका 5 इंचेस आएगा. मेरा 5 इंचेस आ रहा है तो मैं इस पे 5 इंचेस, आपका फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, यहां से मैं एक स्ट्रेट मार्क कर लूंगी. ठीक है फ्रेंड्स, हमने मार्किंग तो कर ली है, इसी तरह मैं दूसरी साइड भी कर लूंगी. ठीक है, इसी तरह आप इसको ट्रेस कर लीजिए तो ये दूसरी साइड भी आ जाएगा. तो इस तरह मैं दोनों साइड इसकी निशान लगा लिए हैं, मैंने ऑलरेडी दूसरी साइड लगा लिए थे, तो अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग करना बताती हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको क्या करते हैं, हम स्टिच लगाने जा रही हूँ अपनी फिटिंग के हिसाब से. अपनी
लॉक कर रही है हमने। देन आपको इसी स्टिच को भी दोबारा उस साइड भी इसी तरह मैं स्टिच लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स जो अब मेरी स्लिट वाली जो साइड थी उसको मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। यहाँ से मैंने फोल्ड कर लिया है इसको इस तरह से। यहाँ से मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। किनार पे आप ऐसे स्टिच लगा लीजिए। जब हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं इस पॉइंट पे तो आप इसको डाउन करिए। निडल को डाउन होना चाहिए और यहाँ से उसको फुट को आप उतने उठा के अगेन इसको स्टिच कर दीजिए। स्ट्रेट हमें यहाँ पे बना देंगे इस तरह से। आगे फिर आप यहाँ से स्ट्रेट कर दीजिए। इसी तरह आपने इसको पूरा स्टिच कर लेना है और आपके चार जो है वो इस तरह से फिनिश हो जाएंगे। देखिए आपके चार इस तरह से फिनिश हो जाएंगे और आपकी कुर्ती फिट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप घर में ही अपनी कुर्ती को फिट कर सकते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको तैयार कर लिया है, फिट कर लिया है। जैसे कि आप बाहर से कोई मार्केट से हम कुर्ती परचेज करते हैं तो आपको 50-60 रुपए तो आराम से लग ही जाते हैं किसी भी टेलर से आप अपनी कुर्ती फिट कराते हैं। लेकिन अब आप घर पे आराम से अपनी कुर्ती को इस तरह आसान तरीके से फिट करिए और आपको ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा पैसे, जो कि आपको कुर्ती खरीदने के बाद भी लगाने पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।